प्रॉब्लम दिस एडिटर स्पेस के बेसिकली जो एडिटर का बेसिक काम है जो टेक्निकली स्किल वाला काम है वो चैनल को भी अंदर से कि एक सीक्वेंस में चीजों को लगाना है जो जैसे सब क्या है अनकोर्डिनेटेड है बट इट्स मोर देन दैट यस बिकॉज़ एडिटर का जो पूरा जो थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से उसको काम करना होगा जितना भी फुटेज है का 2 घंटे 3 घंटे के फुटेज को एडिशंस में निकालना है तो ही हैज टू गो थ्रू द एंटायर थिंग एक्चुअली हैज टू फाइंड आउट जो मेजर पॉइंट्स हैं हाईलाइट्स हैं और फिर उसको सीक्वेंसिंग डिजाइन करनी पड़ेगी कि कौन सा पॉइंट किस सीक्वेंस में कैसे वो करेगा और तो ये एडिटर भी करेगा सर ये तो डायरेक्टर करेगा नहीं जब वो डायरेक्टर भी करेगा नहीं दैट वे से करेंगे एडिटिंग कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन नो बिकॉज़ दिस कंप्यूटर बिलो द लाइन का सुपर सर हां जस्ट गॉट टू राइट इन द क्रिएट व्हाट अबाउट द लाइन बिलो द लाइन टर्म्स ऑफ दिस इज है बट देन क्यों एडिटर एडिटर इन नाउ इट इज एडिटर टू एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह में एडिटर तो राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द प्रोग्राम इज इंपॉर्ट यस सर ऐसा नहीं कि सारा करके दे दिया ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था आपने कि अबाउट द लाइन आज भी एडिटर को क्यों नहीं माना जाता जब बोलते हैं द फाइनल ड्राफ्ट इज रिटन बाय एडिटर द फाइनल ड्राफ्ट एडिटर लिखता है तो व्हाई नॉट ही स्किप यू नो अबाउट द लाइन व्हेन अ एक्टर एंड एक्ट्रेस आर देयर अबाउट द लाइन फ्रॉम पर्सनल ये बहुत बड़ा अन्याय है अत्याचार है सो दिस इज वन प्रॉब्लम और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक एडिटर जो अलग तरीके से देखता है एक जब भी एक प्रोग्राम बनाता है उसका एक स्पेशल एक एक्वायर कर लेते हैं अपने अंदर दे एक्वायर स्पेशल ट्रेट्स दैट इज कॉल्ड उनके दिमाग में एक न्यूरॉन है जिसे कहते हैं एम्पैथी न्यूरॉन वो बहुत ज्यादा वर्क करता है वहां पे तभी वो हर विजुअल्स को देखने के बाद दे थिंक हां ये विजुअल अच्छा नहीं आ रहा ये नहीं अच्छा जा रहा है इवन मोर देन द डायरेक्टर तभी उसका आवाज रोक लेते हैं कि इज योर डिसीजन साहब आप देखिए प्लीज आप बताइए पर फिर भी उनको अवॉर्ड लाइन नहीं रखते बहुत अत्याचार से नहीं जब ये पुरानी भाई पुरानी नहीं सर पुराना नहीं है सर इस इट इज ए ऑनलाइन प्रोसेस आज के लिए गुलाल दत्त जब था आप इन सत्यजीत रे गुलाल दत्त सर पहले एडिटर ये एडिटर बोल इस ऑल द रूल्स अब तो अनंत के उत्तर तक उसका अत्याचार वो गुलाल जी हालांकि डिस्क्रिप्शन पावर देते रहे गुलाल दत्त को जानते होंगे तो उनको भी इतना सारा डिस्कशन मतलब काम तो करवाते थे लेकिन ही वाज नॉट इवन कम मतलब एडिटर से नॉट एक पॉइंट बता रहा बट व्हाट इज दैट इसको बताते हुए मैं 20-20 में ये सारी चीजों में भी आता हूं बेसिक से एडिटिंग बताते बताते 20 में आई कम इनटू ऑल दिस अदर प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स तो बेसिक से एडिटिंग एज एन एडिटर व्हाट आई डू एज एन एडिटर फॉर अ प्रोजेक्ट आई जनरली व्हेन आई गेट फुटेज आई First of all, I do a whole lot of pre-build. Pre-build watcher, एक अच्छा editor is a very good watcher. बहुत ज़्यादा देखते हैं वो चीज़ को. वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं. He preview, he watches. He's a voracious watcher. I mean this. So in that case, it is the first work of an editor to preview things. Or it can be like hundreds of tapes that you might have to preview. करने से पहले आप पहले प्रीव्यू करके अपना ईडीएल बना लीजिए
एडिट डिसीजन लिस्ट, कौन कौन सा पोर्शन आपको डिजिटाइज करना है वहां पे सिस्टम के अंदर, सो इट विल आल्सो हेल्प यू। सर ने जो बोला है वो भी सही है कि आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है, व्हाट वी हैव टू रीशोर, पता चल जाता है कि क्या नहीं है, क्या नहीं है, व्हिच इज रिक्वायर्ड, व्हिच इज रिक्वायर्ड, एंड दैट यू कैन आस्क द डायरेक्टर टू प्रोवाइड दैट फुटेज। यस, प्रोवाइड ऑल यू शूट इट, हां यू मीन यू शूट इट ड्यूरिंग द बफर डेज, जो बफर डे है उसमें आप शूट कर लीजिए। सो दिस इज द प्रीमियम स्टेज, देखो सर मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं, ETL प्रीमियम हो जाने के बाद व्हाट वी डू, वी डिजिटाइज द सॉफ्टवेयर, जो जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन लीनियर एडिटिंग, इन दैट केस नॉन लीनियर में वी डिजिटाइज द फाइल्स और डंप इट, हम डंप भी बोलते हैं, डिजिटाइज भी बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इंजेस्ट, इंजेस्टिंग भी कर लेते हैं, सो कैप्चरिंग भी कहते हैं, तो देयर आर ऑल ऑफ टर्म्स यू कैन यूज एनी ऑफ द टर्म्स, तो इस तरीके से कर लेते हैं। करने के बाद व्हाट वी डू द नेक्स्ट डे इज मीडिया फाइल्स, यू से व्हाट फाइल्स मैम, हां मीडिया फाइल्स को हाउ डू मैनेज इन द सॉफ्टवेयर, देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बट आई प्रेफर टू ऑन फाइनल कट, मे बी एट टाइम्स आई आल्सो डू एडोब, हां एट टाइम्स आई आल्सो आफ्टर इफेक्ट्स, बट आई प्रेफर टू फाइनल कट एफसीपी। तो फाइनल कट में क्या होता है कि सर वी मैनेज दोस फाइल्स, खाली हम इंपोर्ट नहीं कर लेते हैं, बिकॉज़ एट द एंड यू आर वर्किंग अंडर डायरेक्टर, सो व्हेन यू आर वर्किंग अंडर डायरेक्टर, सो डायरेक्टर विल सिट एंड आस्क यू शो मी द फाइल्स, तो आप हजारों फाइल में से आप दिखाते नहीं रहेंगे, बार बार ढूंढते नहीं रहेंगे, सो द फर्स्ट प्राइमरी वर्क इज टू मैनेज दीज फाइल्स, और कैसे करेंगे, फोल्डर बना बना के उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है वो आप जब करेंगे आपको पता चल जाएगा, तो उन फाइलों को आप मैनेज करते जाएंगे डेट वाइज कैटेगरी वाइज, जैसे भी हो, जैसे मैं हुआ अप डाउन स्ट्रीम्स, आपने बहुत सारे टेक्स किए हैं तो उसके सारे सारे फाइल्स उसमें फोल्डर में, पिक्स का अलग फोल्डर, म्यूजिक का अलग फोल्डर, तो फोल्डर अलग फोल्डर से मिले, तो क्या होगा, तो सिंपल डबल डाउन दैट फोल्डर, यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट फाइल, तो वहां से आप उस चीज को निकाल सकते हैं, तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आप मैनेजिंग दीज मीडिया फाइल्स, और कहां पे करते हैं, एक जगह है फाइनल कट प्रो के अंदर, एक 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 विंडो है, बिन एक एक विंडो बोलते हैं उसको, उसको हम कहते हैं इंटरफेस, इस इंटरफेस को कहते हैं ब्राउजर, जहां पे हम फाइल ब्राउज करते हैं आफ्टर इंपोर्टिंग, सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करने पर ब्राउज तो करेंगे ना कहीं ना कहीं से, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राउजर, जहां से हम फाइल ब्राउज करते हैं और मैनेज भी करते हैं इसे, तो यहां से आप फाइल निकालेंगे। Then comes the next window, that is called the viewer, जहाँ पे VIWER. Viewer के अंदर what we do? Exact पहली चीज़ होता है वो है असली काम, वो है editing, selection of footage. Selection of footage is interface के अंदर होता है. There are four main interfaces in any software that you open. वो इन जो आप software इस्तेमाल कर लीजिए, ये तीन चार इंटरफेस आपको रहेगा ही रहेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज द व्यूअर, जहां पे आप व्यू द फुटेज, आप देखते हैं कि कहां से कहां तक चाहिए मुझे, कहां से कहां तक नहीं चाहिए, तो यहां पे हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन ऑफ फुटेज। और यू कैन आल्सो से सिलेक्शन ऑफ फुटेज खाली नहीं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रफ कट कर सकते हैं एक तरीके से, एक रफ कटिंग यहां से देखते रहेंगे और लाला के यहां पे, अब इसको कहां रखेंगे, टाइम लाइन, कहां पे टाइम लाइन, हां टाइम लाइन के अंदर, इट इज आल्सो कॉल्ड सीक्वेंस, इट्स आल्सो कॉल्ड सीक्वेंस, ऐसे टाइम लाइन में हजारों बोल सकता हूं, तो इस सीक्वेंस को या टाइम लाइन को हम क्या करेंगे, जहां जहां से हमें चाहिए वो उठा उठा के यहां लगा करेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यहां से फाइल डबल क्लिक करेंगे, यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा, जहां से कहां तक चाहिए उठाकर लगाते रहेंगे, assemble करते हैं, that is also called assembling of footage, एक assembly बनाते हैं, not only is it simply selection of footage or rough cut, you can also say assembling, I am simply assembling the files, assembling the media, the clips, whatever, तो हम assemble करते जाएंगे, और जो हम assemble यहाँ करते जाएंगे छोटे-छोटे clips के, वही आपका sequence बन रहा है, वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, that is called the last, the canvas. Canvas is the place where you see the final output what is been assembled in the timeline.
प्ले करेंगे ये टैंडम में स्क्रबर बोलते हैं या प्ले एंड भी बोलते हैं उसको एक लाइन आता है ये लाइन चलता जाएगा और यहां पे यू सी द फाइनल आउटपुट ऑफ द वर्क वर्क दैट यू हैव डन दिस सिंपल थिंग बट इस सिंपल में भी कई बार होता है कितना अत्याचार है सर एक एडिटर का इतना असेंबल करने के बाद बोलता है उठा के हटा दो उसको यहां लगा दो अच्छा नहीं लग रहा यार नहीं 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 उसको इन बोला सो इन दैट केस मतलब मैं कह रहा हूं एक एडिटर के लिए जो क्रिएटिव प्रोसेस है ऐसा करना थोड़े तो अबाउट द लाइन बिठा ना वो भी नहीं बिठाएंगे और काम भी करा है मतलब एक लाइन पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूं दैट इज व्हाई व्हेनेवर वर्क फॉर फॉर मतलब फॉर मार्केट व्हाट वी से इज दैट एग्रीमेंट टू एक्स्ट्रा एडिट्स वी डू दो एडिट हम एक्स्ट्रा करके देंगे दो बार इससे ज्यादा नहीं हालांकि हम पहले में काम करते हैं और जब दस बार करना पड़ेगा तो फॉर्म भी हो जाएगा सर simply daadi trimming ke tarah
अलता अलता मतलब ये है कि आपके जो शॉट्स है शॉट्स के साइड में एक दो फ्रेम पांच फ्रेम इधर से पांच फ्रेम उधर से पांच फ्रेम तो मेक इट मच टाइटर ऐसा नहीं लूज कि कट हुआ डिलेड हुआ कट देन मूव टू द नेक्स्ट शॉट इट्स नॉट लाइक दैट उसको क्या करना है हम लोगों कि हमें टाइम ट्रिमिंग करना है दैट इज कॉल्ड द फाइन पार्ट एंड इट इज ओनली डन बाय द ऑर्डर ऑफ व्हाट यू कॉल द डायरेक्टर सिटिंग बिलो मी तो डायरेक्टर विल गिव मी कि दे क्या थोड़ा थोड़ा काटना है तो काट दे तो वी वी ट्रिम एंड लास्ट इज द अदर स्टेज द लास्ट स्टेज इज द ट्विकिंग स्टेज दैट इज कॉल्ड ट्विक करना ट्विक मतलब द कलरिंग थिंग्स द फिगर्स और टू मेक इट ग्लैमराइज फिगर्स और ये वो सो यू डू दैट ट्विक करना हल्का हल्का ट्विक ये हमारा ये मेन ये है और कुछ नहीं है मामला लेकिन एक एडिटर के दिमाग में बहुत सारी चीज और भी चल रहा होता है देयर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट मूव अराउंड बिकॉज़ वो क्या करता है हम लोग एज अ डायरेक्टर को देखते हैं देयर रिएक्ट टू दैट मूवमेंट एडिटर क्या करता है एडिटर जनरली व्हाट एडिटर डस एडिटर शेप्स द मूवमेंट ऑफ द इमोशंस इट आल्सो शेप्स द मूवमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द पिक्चर्स द विजुअल्स द ऑडियोस कंटिन्यूटी है ये सारा देखता है इट आल्सो शेप्स द इमोशंस इट आल्सो shapes what you call it the mood whole lot of shaping is done by this so he looks into the visuals in a very different perspective to bolte hain editor rota bhi hai aapko pata hai have you ever seen an editor crying while previewing the files because their empathy neurons works a lot when they edit what both generally aapko kaun se mein hota hai what aapko pata hai kai baar nilam na aapko hota hai kai baar empathy neurons kaam karta hai yes all mix of all colors white as simple as that jab color white is not balanced in your camera until it's put into auto white balance agar aapko white is not balanced that means all other colors are not aligned so aapko kya karna padega yahan pe le jaake aapko white balance karna padega that is the first and important thing in calibration to wahan pe aap jaake agar ye ek pehle zamane mein software se nahi tha to white balance is software is तो आपको कैमरा के सामने वाइट लगा करके आपको करना पड़ता है लेकिन आज के समय में जो व्हाट्सएप है वो हो गया एडवांस हो गया तो उसमें क्या होता है कि यू कैन सिलेक्ट द वाइट एंड ब्लैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इमेज अंडर दैट पर्टिकुलर लाइटिंग कंडीशन है पर यहाँ एक और कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर वाइट बैलेंस करना चाह रहे हो तो यहाँ पे प्योर वाइट और प्योर ब्लैक रहना पड़ेगा then only you can pick that particular white color balance उनसे तो इसमें हम क्या करते हैं एक बार छुपा करके एक white का portion डाल देते हैं इनकेस color balance गड़बड़ हो तो वहाँ से हम white pick कर लेंगे कई बार दांत से उठाते हैं लोग white बड़ा करते 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 उसको magnify करके आंखों के पीछे से उठाते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि white इस जो है वो gray है लोगों के white gray है कई बार बालों से उठा लेते हैं व्हाइट पोर्शन लेकिन वो ग्रे है प्योर व्हाइट नहीं है तो आपका कलर देखना अलग से नहीं करता प्योर कलर एक्शन नहीं करना तो वो लोग अदर थिंग्स आल्सो और यू कैन डू मैन्युअली आल्सो टेकिंग द कलर्स ग्रीन ग्रे वो इधर उधर करके यू कैन मैनेज द होल कलर्स ये तो आपने ये चीज देख लिया चलो थ्री मोर थिंग्स आई वांट टू टेल यू आई फिनिश इट सर किसी स्टार की फिल्म आती है जैसे जिसकी जैसे शाहरुख खान नॉट सलमान खान बट शाहरुख खान जैसे जिसके फेस पे इतनी ज्यादा होती है रजनीकांत हाउ डू दे मैनेज इट ऑन एक्टिंग सब सी सी ज्यादा इज इट मेकअप नो नो इट इज मेकअप इट इज प्योर मेकअप देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप यू पुट इट हार्ड मेकअप यू पुट सॉफ्टर मेकअप और यू कैन गो फॉर प्रोस्थेटिक मेकअप ओके प्रोस्थेटिक करते पाथ फिल्म में प्रोस्थेटिक है सारा कुछ बॉडी करेक्शन या कुछ ऐसा नहीं उसके बावजूद भी बहुत ऐसे कलर करेक्शन होता है Color correction are done on different other softwares, which are specially meant for color correction.
यू कैन आइसोलेट थिंग्स आई मीन यू कैन आइसोलेट द कलर्स अब मेरा चेहरे का यहां पे लिपस्टिक है वो रेड रखूंगा बाकी सारा ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा हाउ डू आई आइसोलेट दिस एरिया एंड आई डू लाइक दैट आप आइसोलेशन कर करके भी कर सकते हैं डाविंची रिजॉल्व बट देयर इज स्मोक बेस स्मोक हर एक शॉट केस में आपको करना पड़ेगा हर शॉट में नहीं है दिस मच मोर इंटेलिजेंट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज दे डू द मोशन ट्रैकिंग एक शॉट में भी पूरा सीन खत्म हो सकता है और ऐसे बहुत सारे फिल्म बना है चार चार
चल रहा है। सही बताया सर, आपके सर आपके जो दिखाई पर सर आपके सर जगह डरता हूं सर, आपने तो आपको पता है मैं कैसे थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना रहा हूं हमारे पास। तो ठीक है सर, एक ही शॉट में सीन बन सकता है, टेबल बुक का प्रश्न होता है सर, एक ही शॉट में कैसे होता है क्या मतलब, मैं पहले तो बोलता हूं नहीं कैसे होता है, बट कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि यस होता है सर, अगर लंबा खेल देंगे सर ने बोला ना हमने बोल दिया। तो ऐसे बहुत सारे फिल्में बने हैं, पांच पांच छह छह मिनट चल रहा है, धीरे 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 सीन एंड कट टू अनदर लोकेशन सिनेमा टीवी सीरियल सर नहीं, टीवी सीरियल पे वो मल्टी कट चलता है नहीं, कई नहीं, ये रूल नहीं एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है सर, नॉर्मली नहीं करते, ये बहुत कम रेयर ओकेशन में दिखते हैं। सर आपने कौन सा फिल्म का एग्जांपल दिया था, स्टॉकर मिलर स्टॉकर अरे अगर सर कौन सी फिल्म अरे मुगले आजम बताइए लगभग शादी शादी होगी नहीं होगी करो ना हां इस तरीके से भी कैरी आउट। सो दिस इज द बेसिक्स। थैंक यू।